बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम रूल्स ऑफ करेक्शन एंड ईटीएम्स। जी, लास्ट लेक्चर में जो हमने देखा वो हमने एडजेक्टिव के कुछ रूल्स देखे थे और रूल नंबर 27 तक हम जो है वो डिस्कस कर चुके थे। अब हम रूल नंबर 28 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट 28 पे जो रूल लिखा है उसमें ये लिखा गया है, बताया गया है, ऐसा एडजेक्टिव जो वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म से बनाया गया हो नाउन के बाद में आता है। जी, अब कुछ वर्ड्स इस तरह के हैं जिस तरह के टाइम, इमेमोरियल, अल्लाह, आलमाइटी एंड वर्थ, इंजॉइंग, वर्थ वॉचिंग, वर्थ स्पेंडिंग। दीज आर द वर्ड्स दैट कम आफ्टर द नाउन। ये नाउन के बाद में आते हैं, ये नाउन से पहले नहीं आते। इसके बारे में हमें ये बात याद रखनी है कि ये जो अल्फाज जिस बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिस तरह के हमने अभी फ़िलहाल एक ही लफ्ज़ देखा वर्थ, तो वर्थ एक ऐसा लफ्ज़ है जो इसके साथ ही जो आईएनजी फॉर्म अगर लग जाती है, यानी कि वर्थ आए उसके साथ में कोई और नाउन आ जाए, तो ये फिर जो नाउन जो है उसके बाद में ही आएगा। ये हमने देखना है, जिस तरह के फर्स्ट एग्जाम्पल में ये बताया गया, दिस इज़ अ वर्थ इंजॉइंग एक्सकर्शन। ठीक है, देखें अब ये वर्थ और उसके साथ किस तरह बनाया गया है, आईएनजी फॉर्म, इंजॉय के साथ आईएनजी फॉर्म लग गई है और उसके बाद नाउन आया है एक्सकर्शन। तो ये जो है तरतीब गलत लिखी गई है। अब हम जो इसकी करेक्ट जो सही तरतीब है वो देखते हैं। दिस इज एन एक्सकर्शन वर्थ इंजॉइंग। देखें अब नाउन एक्सकर्शन था इसमें, तो वो पहले उन्होंने जो है वो प्लेस किया है उसको, फिर इसकी तरतीब अरेंजमेंट जो है वो ठीक हुई है। इस तरह ये जो वर्ड्स हैं, जिस तरह के वर्थ है जिसके बाद में आईएनजी फॉर्म आ जाती है, वर्थ इंजॉइंग, वर्थ वॉचिंग, वर्थ स्पेंडिंग, वर्थ मतलब कुछ भी वर्ड आगे आ सकते हैं, और उस इन सारे जो वर्ड्स हैं इनके जो नाउन जो है नाउन पहले आएंगे और ये जो वर्थ वाला जो वर्ड होता है ये बाद में आता है। ये हमने इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज है, जिस जो हमने लास्ट रूल्स पढ़े हैं वो उनको जो करेक्ट करने के लिए कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको आपने अच्छे से देख लेना है और अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट रूल नंबर 29 है। रूल नंबर 29 में ये कहा गया है, दूसरी या तीसरी डिग्री। जी, अब हम देखें कि दूसरी या तीसरी डिग्री जो एडजेक्टिव की होती है, जिस तरह के हमने देखा कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, जो कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री है उसका जो डबल इस्तेमाल है वो गलत है। डबल इस्तेमाल का मतलब है कंपैरेटिव में हम लगा देते हैं ही इज़ मोर ब्यूटीफुल देन अक्सा एंड शी इज़ मोर टॉलर, तो ये गलत हो जाता है। देखें अब एक तो जो टॉलर है और मोर, टॉलर टॉल TALL टॉल है वर्ड, और उसके साथ ER लगा के हमने इसको कंपेरेटिव डिग्री बना दिया, और अगर इससे पहले हम मोर भी लगा देते हैं, मोर और टॉलर, ये डबल हो जाएगा। तो डबल एडजेक्टिव जो है ना, इस तरह डबल इनका जो यूज़ है वो गलत हो जाता है। हम एक ही वर्ड यूज़ करते हैं जिससे कंपेरेटिव या सुपरलेटिव जो है वो बन जाए। जी, फर्स्ट में हमने देखा ही इज़ मोर वाइजर देन असलम, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि वाइज के साथ जो ER है वाइजर, तो ये भी कंपैरेटिव के लिए यूज़ हुआ है, और मोर जो है वो भी जो है कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड है, तो फिर ये जो डबल इनका यूज़ है ये गलत हो जाएगा, और इसका जो सही इस्तेमाल है ही इज़ वाइजर देन असलम, तो फिर ये जो वाइजर देन असलम है ये दुरुस्त होगा। जी, नेक्स्ट रूल नंबर 30 है। रूल नंबर 30, वो दो नाउंस के दरमियान मुकाबला के लिए दूसरी डिग्री और दो से ज़्यादा नाउंस के मुकाबला के लिए तीसरी डिग्री इस्तेमाल करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, मोस्टली जो पेपर में जब हम आता है एग्जाम्स में, तो अक्सर ये रूल जो है इसके सेंटेंसेस रिपीट करके या चेंज करके वो दे देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हम जब देखते हैं कि दो लोग हैं या दो से ज़्यादा हैं, तो इनका कंपैरिजन किया गया है या फिर कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री यूज़ की गई है, तो वो जो इनका जो इनकरेक्ट सेंटेंसेस होते हैं वो बहुत जो है वो ठीक नज़र आ रहे होते हैं देखने में, क्योंकि उनमें कोई ग्रामेटिकली एज सच वो मिस्टेक नहीं होती जो आमतौर पर बिल्कुल ऑब्वियस नज़र आ रही हो। इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत एहतियात से देखना होता है। और इसमें हमने ये देखा कि जो दो नाउन्स होते हैं, अगर दो लोग हों, दो चीज़ें हों, दो प्लेसेस हों और दो लोग हों, तो उनका जो कंपैरिजन होता है वो कंपैरेटिव डिग्री के लिए के साथ किया जाता है। दो चीज़ों के लिए हम कंपैरेटिव लगाते हैं, और अगर दो से ज़्यादा हो जाएं,
3 हो जाएं, 5 हो जाएं, 10, whatever, तो उसके लिए हम सुपरलेटिव लगाएंगे, क्योंकि सुपरलेटिव का मतलब होता है द मोस्ट, मीन टू से जिसका कंपैरिजन से ऊपर का जो ताल्लुक होता है ना उसको कहते हैं। तो फिर जो कंपैरिजन है वो दो लोगों का होता है, लेकिन अगर ज्यादा लोग हो जाएं, जिस तरह मैं कहती हूँ शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल ऑफ ऑल द गर्ल्स, तो ऑल द गर्ल्स का मतलब ये है कि जो दो से ज्यादा हैं, हमें नहीं पता कि वो 4 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, तो वो जो सारे ज्यादा लोग हैं उसके लिए हमने सुपरलेटिव डिग्री यूज की है, ना कि कंपैरेटिव डिग्री। अगर मैं ये कहती हूँ शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ द टू, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने दो लोगों के दरम्यान में कंपेरिजन जब करना है तो उसके लिए कंपेरेटिव डिग्री लगानी है, ना कि सुपरलेटिव। तो जब मैं ये कहूंगी शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ द टू, तो ये गलत है। क्यों? इसीलिए क्योंकि हमने दो लोगों के मुकाबले के लिए कंपेरेटिव डिग्री यूज करनी है। तो इसका जो सही सेंटेंस होगा वो ये है शी इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू। तो आपने ये याद रखना है कि जब भी हमने दो चीजों का, दो नाउन्स का, दो प्लेसेस का कंपैरिजन करना है तो हमने उसके लिए कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है, और जब दो से ज्यादा लोग हों, ज्यादा चीजें हों, ज्यादा जगह हों, तो उसके लिए सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल होगा। इसकी एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। He is the tallest of the two boys. तो ये गलत हो जाएगा। जैसे अभी हमने, मैंने पहले भी आपको ये बताया कि जब दो लोग हो जाते हैं, दो चीजें, दो नाउन्स, दो प्लेसेस होती हैं, उसके लिए हम कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं। तो tallest जो है ये सुपरलेटिव डिग्री होती है, इसलिए tallest जो है वो वर्ड इधर गलत है। हम इसको रिप्लेस करेंगे दिस ही इज द टॉलर ऑफ द टू बॉयज। टॉलर जो है वो कंपेरेटिव डिग्री है, और दो नाउन्स के लिए हम कंपेरेटिव डिग्री यूज करते हैं, इसलिए टॉलर ऑफ द टू जो है वो ठीक सेंटेंस होगा। नेक्स्ट है दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग ऑफ द थ्री। अच्छा जी, अब दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग ऑफ द थ्री। देखें अब इसमें क्या हुआ है, दो से ज्यादा लोग हो गए हैं, दो से ज्यादा चीजें हो गई हैं, ये जो बुक्स हैं ये अब दो नहीं रही, ये बल्कि 3 हो गई हैं। तो अभी हमने ये देखा कि जब 3, दो से ज्यादा, 3, 4, 5, 10, 15 या फिर अन जो काउंटेबल जो अमाउंट है वो अगर आ जाए, या फिर ऐसी अमाउंट जिसके बारे में हमें पता ना हो, यानी कि 2 हैं, 10 हैं, हमें नहीं पता, तो उसके लिए भी हम सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे तो डेफिनेटली बता दिया गया कि ये दो से ज्यादा हैं, थ्री बुक्स की बात की जा रही है, तो थ्री बुक्स के लिए हम कंपेरेटिव डिग्री नहीं बल्कि सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे। दिस बुक इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ द थ्री, तो ये ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि दो जो नाउन्स हैं, दो जो प्लेसेस हैं, दो जो थिंग्स हैं, उनके लिए कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है, और जो सुपरलेटिव डिग्री है उसके लिए हमने जो देखते हैं वो दो से ज्यादा जो नाउन्स हैं, प्लेसेस हैं, वो इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ तक अभी हमने सिर्फ दो रूल्स देखे, लेकिन आपने उनको अच्छे से जहन नशीन कर लेना है। जैसे कि हमने जो लास्ट पेज पे रूल नंबर 29 देखा था, उसमें हमने देखा कि जो डबल डिग्री है उसका इस यूज़ गलत हो जाता है। या तो हम जो मेन वर्ब या मेन वर्ड है उसके साथ ही ER या EST लगा के उसकी जो डिग्री है वो चेंज कर देते हैं, या फिर कुछ वर्ड इस तरह होते हैं जिनकी ER EST के साथ डिग्री नहीं लगाई जा सकती, बनाई जा सकती, तो उसके लिए हम मोर या मोस्ट लगा देते हैं। मगर अगर हम दो इकट्ठे ही एक ही वक्त में यूज करें, जैसे कि मोर टॉलर, मोर बिगर, मोर प्रीटियर, तो ये जो वर्ड्स हैं ER मेन वर्ड के साथ भी लगा दिया और उससे पहले मोर या मोस्ट भी लगा दिया, तो ये इस्तेमाल गलत हो जाता है, क्योंकि दो दफा एक ही बात को दोहराया नहीं जा सकता। जैसे हम आम जिंदगी में एक बड़ी आम सी गलती करते हैं, इसको जरा दोबारा रिपीट कर दें। ये जो लफ्ज़ दोबारा रिपीट करना है, रिपीट का मतलब भी होता है दोबारा कहना, और उससे पहले जो हम कह रहे होते हैं दोबारा रिपीट करना, तो ये दो दफ़ा एक ही लफ्ज़ का इस्तेमाल हो गया, यानी कि दोबारा रिपीट कर दें, तो ये कितना ऑकवर्ड लगता है। लेकिन हम इस्तेमाल में इस तरह मतलब इग्नोरेंटली बोल देते हैं अल्फाज को कि हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि हम कितने गलत अल्फाज जो है वो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए हमने ये रूल याद रखना है कि कभी भी डबल डिग्री का इस्तेमाल नहीं करना, ये एडजेक्टिव में गलत होता है। नेक्स्ट रूल नंबर 30 हमने देखा, इसको भी हमने अच्छे से याद रखना है कि जो सुपरलेटिव डिग्री है उसका इस्तेमाल कब होता है, जब नाउन्स, प्लेसेस, थिंग्स, आर्टिकल्स या कुछ भी जो चीजें हैं वो दो से ज्यादा हों, 3 हों, 10 हों, 15, और जब दो हों, जब हम कह देते हैं कि दो लोगों का कंपैरिजन किया जाएगा, दो चीजों का किया जाएगा, दो जगहों का किया जाएगा, तो दो चीजों, दो जगहों, दो नाउन्स, दो प्लेसेस के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे।
नेक्स्ट रूल नंबर 31 है, देखते हैं हम इसमें क्या है। दूसरी डिग्री के बाद अगर ऑफ हो तो दूसरी डिग्री से पहले द लिखें, और अगर डिग्री के बाद ऑफ की बजाय देन हो तो दूसरी डिग्री से पहले द ना लगाएं। जी, अब आपने ये चीज़, ये भी एक अच्छा और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा रूल है। इसमें यह बताया गया कि दूसरी डिग्री के बाद अगर ऑफ हो, दूसरी डिग्री के बाद ऑफ हो, यानी कि दूसरी डिग्री कौन सी होती है, टॉलर, बिगर, ये वाली। अगर टॉलर के बाद ऑफ हो तो दूसरी डिग्री से पहले द लिखें, द टॉलर ऑफ। ठीक है, इस तरह हमने देख लिया कि जो दूसरी डिग्री यानी कि कंपैरेटिव डिग्री आ गई है ना, तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर फौरन बाद ओ एफ ऑफ लिखा हुआ है तो उससे पहले टी एच ई द जरूर आएगा। पहली बात ये कि अगर दूसरी डिग्री के बाद ऑफ लिखा हुआ हो तो उससे पहले जो सेकंड डिग्री है उससे पहले द जरूर लगाएंगे। जैसे कि दूसरी डिग्री कंपैरेटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री का कोई भी वर्ड हो उसके बाद अगर फौरन बाद ऑफ लगा है तो उससे पहले द जरूर आएगा, उससे पहले द जरूर आएगा। और अगर इसका सेकेंड पार्ट इस रूल का ये है, अगर दूसरी डिग्री यानी कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ की बजाय देन हो, यानी कि ऑफ ना हो और उसकी जगह पे देन हो, ऑफ की बजाय देन हो, तो दूसरी डिग्री से पहले द ना लगाएं। अच्छा, ठीक। अब रूल सिंपल है बिल्कुल, इसका कोई इतना, बस ध्यान से समझने की बात है कि अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद ओ एफ ऑफ हो तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले द आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। आपने बस ये याद रखना है कि जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं और कंपैरेटिव डिग्री का जो मेन वर्ड है यानी कि टॉलर, बिगर, प्रीटियर या फिर कोई भी इस तरह का वर्ड हो सकता है, तो इससे पहले, अगर उसके बाद में ये जो वर्ड्स हैं, अगर इनके फौरन बाद आपको ओ एफ ऑव मिल रहा है तो उससे पहले आप दा लगाएंगे टी एच ई दा। और अगर टी एच ई दा जो है ऑव के अलहदा, मतलब ऑव के अलावा आए, यानी कि ऑव ना आए सेंटेंस में, उसकी जगह पे देन लिखा हो, जिस तरह के मैं सेंटेंस बोल देती हूँ शी इज द टॉलर ऑफ द टू, अब ये सेंटेंस ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके टॉलर के बाद ऑफ लगा दिया, इसलिए मैंने द टॉलर ऑफ द टू, ये ठीक हो गया। लेकिन अगर मैं ये बोल देती हूँ शी इज द टॉलर देन अली, तो ये गलत हो जाएगा, शी इज टॉलर देन अली। बस क्यों? क्योंकि हमने देखा कि जब कंपेरेटिव डिग्री के बाद ऑफ आता है तो कंपेरेटिव डिग्री से पहले दा लगाते हैं, अगर कंपेरेटिव डिग्री के बाद ऑफ ना आए, देन आए या कोई और वर्ड आ जाए तो फिर उससे पहले हम दा नहीं लगाते। इसकी एग्जांपल्स हम नोट करते हैं, शी इज द टॉलर देन आए, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? इसकी मेन रीजन अभी हमने डिस्कस की कि जो टॉलर है इसके बाद अगर ऑफ आता तो हम उससे पहले दा लगाते, अब इससे पहले इसके बाद में देन है, इसके बाद में ऑफ नहीं है, इसलिए हम इसके पहले दा नहीं लगाएंगे, शी इज टॉलर देन आए, ये इसका करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट है शी इज द टॉलर, सॉरी, शी इज टॉलर ऑफ द टू गर्ल्स। देखें अब बिल्कुल क्लियरली हमें समझ आ रही है कि टॉलर ऑफ आ गया है, यानी कि कंपेरेटिव डिग्री के बाद ऑफ आ चुका है, तो हमने ये असूल पढ़ रखा है कि जब कंपेरेटिव डिग्री के बाद ऑफ आए तो कंपेरेटिव डिग्री से पहले द जरूर आएगा, तो इसका करेक्ट सेंटेंस होगा शी इज द टॉलर ऑफ द टू गर्ल्स। ये रूल क्लियर है, ये रूल बिल्कुल आसान है, इसको बस ध्यान से समझना है। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि कंपैरेटिव डिग्री यानी कि वो जो दरमियान दूसरी डिग्री होती है, यानी कि वो जो टॉलर, बिगर और ये हैवियर या फिर कोई और वर्ड्स जिनके साथ ई आर लगा के हम जो कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, अगर इस डिग्री के बाद में ओ एफ ऑफ आए तो आपने कंपेरेटिव डिग्री से पहले दा जरूर ऐड करना है, और अगर कंपेरेटिव डिग्री के बाद ऑफ ना आए बल्कि उसकी जगह देन आ जाए तो उसके जो कंपेरेटिव डिग्री है उसके पहले दा नहीं आएगा। नेक्स्ट है रूल नंबर 32। 32 रूल नंबर में लिखा है, अगर किसी एडजेक्टिव से पहले दा लगा दिया जाए, किसी भी एडजेक्टिव से पहले दा लगा दिया जाए तो वो पूरी जमात या ग्रुप की नुमाइंदगी करता है। देखें ये बहुत अच्छा और आसान जो है वो रूल है कि ये बताया गया है कि अगर किसी एडजेक्टिव से पहले, एडजेक्टिव कोई भी हो सकता है, जैसे कि पुअर, पुअर कहते हैं गरीब को, और अगर मैं किसी एक गरीब की बात कर रही हूँ तो मैं कहूँगी आयशा पुअर या पुअर आयशा या फिर पुअर गर्ल, लेकिन अगर मैंने किसी, अगर इससे पहले मैं दा लगा देती हूँ टी एच ई दा पुअर, दा पुअर एक वो जो है वो
पूरी क्लास की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। अब किसी इससे मुराद दुनिया जहाँ के जितने भी गरीब लोग हैं उन सबको मुराद ले लिया जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं कि अब इसको जमा बनाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब पहले हमने ये देखा कि किसी एडजेक्टिव से पहले अगर दा लगा दिया जाए तो वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, और जो पूरा जो एक उनका जो तबका है, सेक्ट है, यानी कि कोई भी ग्रोह है, तो उसकी वो नुमाइंदगी कर रहा होता है अगर किसी एडजेक्टिव से पहले दा लगा दिया जाए। जिस तरह की द रिच, द पुअर, इस तरह कोई भी और वर्ड्स हो सकते हैं। इसको जमा बनाने की जरूरत नहीं। अब हमने ये याद रखना है कि द रिच द पुअर, इनके साथ ई एस यानी कि द पुअर्स द रिचेज इस तरह नहीं होगा, ये गलत हो जाता है। बल्कि ऐसे एडजेक्टिव के बाद सिर्फ वर्ब जमा होता है। क्योंकि वर्ब क्यों जमा होता है, दो उसमें असूल हैं आपने याद रखने हैं कि जो द और एडजेक्टिव वाले वर्ड जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये जमा हो जाते हैं ना, क्योंकि ये किसी एक शख्स को नहीं बल्कि एक पूरे ग्रुप को, एक पूरी जमात को रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर ये जमा हो जाएंगे। तो फिर इनका हेल्पिंग वर्ब, ये डेफिनेट है कि जब चीज़ें ज़्यादा, लोग ज़्यादा जो हैं वो आए सब्जेक्ट के तौर पर, तो उनके हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल होते हैं। लेकिन हम उनको प्लूरल जो है वो एस या ई एस लगा के बनाते नहीं हैं। मेन जो हमारे वो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम एस या ई एस के साथ जमा नहीं करते, बल्कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल वाले इस्तेमाल करते हैं। इस उसूल को हम दोबारा से देखते हैं। जैसे कि हमने देखा कि अगर किसी एडजेक्टिव से पहले दा लगा दिया जाए तो वो पूरे ग्रुप की नुमाइंदगी करता है, और इस ग्रुप और इस वर्ड्स को जो कि एडजेक्टिव और दा के साथ बनाए जाते हैं, इनके साथ एस या ई एस लगा के इनको जमा नहीं बनाया जाता, बल्कि इनकी सेंस ही प्लूरल होती है, इनको एस या ई एस की जरूरत नहीं होती। और ऐसे वर्ड्स, क्योंकि एस या ई एस लगा के हमें जमा बनाने की जरूरत ही नहीं है, मगर उनकी सेंस जो है वो प्लूरल है, इसलिए उनके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो प्लूरल होंगे। जिस तरह एग्जांपल में है, द पुअर्स आर हेटेड एवरीवेयर। देखें, अब आर तो ठीक है क्योंकि द पुअर का मतलब ज्यादा लोग होता है, लेकिन द पुअर्स ये जो अल्फाज हैं, एस जो साथ लगा दिया गया, ये गलत है, क्योंकि द पुअर का अपना मतलब ही प्लूरल है, इसके साथ एस की जरूरत ही नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और इसका जो दुरुस्त जुमला है, द पुअर आर हेटेड एवरीवेयर, तो हमने ये याद रखना है कि द पुअर के साथ, द रिच के साथ एस ई एस का इजाफा नहीं करते, लेकिन हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होता है। हाँ जी, नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 33 रूल नंबर में है लिटल। जिस तरह के हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू का पढ़ा था, अब यहाँ पे हम लिटल जो है वो देखेंगे। लिटल मिकदार को जाहिर करता है। मिकदार यानी कि क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब दूध की मिकदार, पानी की, ऐसी चीजें जिनको काउंट यानी कि गिना नहीं जा सकता, हम अपने फिंगर्स पे उसको काउंट नहीं कर सकते, 1, 2, 3, 10, 20 इस तरह नहीं बता सकते। मैं ये नहीं कह सकती 10 milks, इस तरह नहीं कह, जिस तरह की हम कह सकते हैं 10 books, क्योंकि वो काउंटेबल हैं। जो चीज़ें मिकदार ही हों यानी कि जिनको काउंट ना किया जा सके बल्कि मेजर किया जाए, जिस तरह के दूध है, पानी है, रेत है, मट्टी है, ये चीज़ें हम काउंट नहीं कर सकते, इनके जर्रे, अब रेत के साथ नहीं हम काउंट किए जा सकते। तो ये जो अनकाउंटेबल जो नाउन्स हैं उनसे पहले हम लिटल लगा देते हैं। लिटल मिकदार को जाहिर करता है, इसलिए अनकाउंटेबल इससे पहले लगता है। देखें, ये बड़ा अच्छा रूल है और ये कॉमन जो हमारी लैंग्वेज है उसमें बहुत ज़्यादा हम इन अल्फाज को यूज़ करते हैं। फ्यू तादाद को जाहिर करता है, इसलिए काउंटेबल नाउन से पहले लगता है। देखें, अब ये जो उसूल है इसमें हमने ये देखा कि जो लिटल है, LITTLE लिटल, ये जो वर्ड है इससे पहले हमने जो इस ये जो वर्ड है ये उन सेंटेंसेस में आता है जिसमें जो नाउन्स होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स, जिसके मैंने आपको पहले ही बताया है, अनकाउंटेबल नाउन जो हैं वो तादादी नहीं होते बल्कि मिकदारी होते हैं। तादादी का मतलब जिनकी तादाद हम एग्जैक्टली बता सकते हैं फिगर्स में, लेकिन मिकदारी यानी कि अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको हम जो है वो काउंट नहीं कर सकते, जिनको मेजर किया जाता है, जिनकी हम क्वांटिटी बताते हैं यानी कि केजीज में, लीटर्स में, और इस तरह से, और उनको हम काउंट करके नहीं बता सकते,
3, इस तरह जो हमारा मैथमेटिकल जो जो न्यूमेरिकली हमारी वैल्यूज़ हैं हम उनको वो नहीं दे सकते, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ लिटल आएगा। और जो काउंटेबल नाउन्स हैं, जिस तरह के बुक्स हैं, थिंग्स हैं, कोई भी चीज़ें जो हम काउंट कर सकते हैं, टेबल है, चेयर्स हैं, आर्टिकल जो भी हम जिनको हम काउंट किया जा सकता है, वो उनके साथ फ्यू आएगा। आपने बस ये याद रखना है कि लिटल आता है अनकाउंटेबल से पहले और जो फ्यू है वो आता है काउंटेबल नाउन से पहले। और इसकी जो एग्जांपल है वो लिखी है आई हैव अ फ्यू मिल्क इन द जग। अब देखें मिल्क, मिल्क देखते ही हमारे जहन में ख्याल आता है कि ये चीज़ वो है जिसको मैं ये नहीं कह सकती 2 milks, 3 milks, जिस तरह मैं कह सकती हूँ 5 books, 3 tables, 4 chairs, 3 pencils, ये वो वर्ड्स हैं जिनके साथ हम फ्यू लगा सकते हैं, जो काउंटेबल हों उनके साथ फ्यू लगा सकते हैं। लेकिन जो मिल्क है, वाटर है, सैंड है, ये जो वर्ड्स हैं ये अनकाउंटेबल हैं, इनसे पहले फ्यू नहीं आएगा, इनसे पहले लिटल आएगा। आई हैव अ लिटल मिल्क इन द जग। देखें अब ये सेंटेंस ठीक हो गया, आई हैव अ लिटल मिल्क, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो लिटल है वो अनकाउंटेबल से पहले आता है लेकिन जो फ्यू है वो काउंटेबल से पहले आएगा। जी वर्ब जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। और यहाँ तक आपने एडजेक्टिव के रूल्स को अच्छे से देख के उसके बाद ये नीचे एक्सरसाइज दी है, इसको आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर लेना है और इन रूल्स को रिवाइज करना है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं आज ईडियम्स पे आ जाते हैं। जो हमारे ईडियम्स हैं लास्ट जो हमने देखे वो होपफुली इंशाल्लाह आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होंगे। अब हम नेक्स्ट चल रहे हैं अपने ईडियम्स पे जो हमने नेक्स्ट आज पढ़ने हैं। तो इसके बारे में मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जो ईडियम्स हैं इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करके इनको बार बार रिवाइज करें ताकि ये अच्छे से याद रहें। जी हमारा जो 233 नंबर ईडियम है पेज नंबर 763 पे वो है गो विदाउट सेइंग। गो विदाउट सेइंग इसका मतलब होता है बगैर कहे ही किसी बात का इल्म होना, यानी कि जो बात ना भी कही जाए फिर भी वो बहुत वाजे हो, बिल्कुल क्लियर हो, उसको कहते हैं गो विदाउट सेइंग। ऐसी चीज़ जो बहुत ओबवियस होती है, जिसको मज़ीद किसी क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट यू विल बी पेड फॉर द एक्स्ट्रा आवर्स यू वर्क। ये बिल्कुल वाज़े बात है, ये बहुत ही सीधी सी बात है कि तुम्हारे जो एक्स्ट्रा यानी कि जो ज़ायद काम करने के घंटे हैं या वक्त है उसकी अदायगी की जाएगी। गो विदाउट सेइंग का मतलब ये है कि ये तो बात कहने वाली ही नहीं, ये तो पहले ही वाज़े है, ये तो पहले ही सबके इल्म में है या फिर ये अंडरस्टूड चीज़ है। नेक्स्ट है गोल्डन एज। गोल्डन एज का मतलब है कि कोई बहुत ही शानदार दौर, यानी कि कोई ऐसा वक्त का दौरानिया जब जो हालात हैं वो बहुत ही बेहतर और साजगार रहे हों, उसको कहेंगे गोल्डन एज। जिस तरह के किसी भी किंग का या क्वीन का जो इरा है वो बहुत ही शानदार गया हो, यानी कि उसमें बहुत सी प्रोग्रेस हुई हो, प्रॉस्पेरिटी रही हो, बहुत खुशहाली हो, लोगों ने बहुत ग्रूम किया हो, या फिर जो इकोनॉमिक या फाइनेंशियल या सोशल स्टेटस जो है उस नेशन का या उस कंट्री का बहुत जो है वो हाई जो है वो रहा हो, उसको हम गोल्डन एज कहते हैं। जिस तरह के लिटरेचर में एक किंग ऑगस्टस था, उसकी एज को भी गोल्डन एज कहा जाता है, क्योंकि तब जो लिटरेचर है वो बहुत ग्रो किया और बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें आबियारी की गई। नेक्स्ट गोल्डन एज का मतलब है अ पीरियड ऑफ सक्सेस, द मुस्लिम्स रिमेंबर द गोल्डन एज ऑफ देयर फोर फादर्स। मुसलमानों को अपने आबाओ अजदाद का जो सुनहरा दौर है वो याद है या वो उसको याद करते हैं। नेक्स्ट है गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका, और गोल्डन का मतलब है सुनहरी, यानी कि कोई ऐसा मौका जिससे इंसान की जो किस्मत है या फिर जो उसके हालात हैं वो संवर जाएं या बदल जाएं या बहुत ही जो उसको फ़ायदा है उससे वो हासिल हो। तो इसका जो सेंटेंस लिखा है वो है वाइज मैन अवेल देमसेल्व्स ऑफ गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़। जो अक्लमंद लोग हैं वो अपने आप को सुनहरी मौके से जो है वो अपने फ़ायदा जो है वो लेते हैं या उठाते हैं। गुड फॉर नथिंग, ऐसी चीज़ जो किसी काम की ना हो या ऐसा शख्स जो किसी काम का ना हो,
किसी चीज़ के लिए वो गुड ना हो, गुड फॉर नथिंग, निकम्मा यानी कि हड हराम जो है वो उसको भी हम कह सकते हैं। द गवर्नमेंट शुड गेट रिड ऑफ दोज डिपार्टमेंट्स विच आर गुड फॉर नथिंग, गवर्नमेंट को उन तमाम इदारों को ख़त्म कर देना चाहिए या उससे जान छुड़ा लेनी चाहिए जो किसी काम के नहीं हैं। ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है कोई जो ना अहल यानी कि ना तजर्बा कार शख्स, यानी कि जिसको किसी काम में किसी चीज़ में महारत ना हो, यानी कि कोई जो प्रैक्टिकली किसी फील्ड में इन पहले से ना हो, जिसको बिल्कुल न्यू शख्स जिसको होता है ना किसी फील्ड में, उसको कहते हैं ग्रीन हॉर्न, बिल्कुल ही न्यू पर्सन जो फिर जो जिस पे कोई एक्सपीरियंस ना हो। दिस मैन कैन ईजीली बी ट्रिक्ड, इस आदमी को आसानी से धोखा दिया जा सकता है, एज़ ही इज़ अ ग्रीन हॉर्न, क्योंकि ये बिल्कुल ही ना तजर्बेकार है। अ ग्रीन रूम, अ ग्रीन रूम का मतलब होता है जो एक्टर्स जहाँ पे रेस्ट करते हैं, यानी कि जहाँ पे वो अपनी शूट के बाद या दौरान में रिलैक्स करने के लिए थोड़ी देर जिस जगह को यूज़ करते हैं उसको अ ग्रीन रूम कहते हैं। देयर इज़ नो ग्रीन रूम इन द स्टूडियो, इस स्टूडियो के अंदर कोई भी ग्रीन रूम यानी कि जो अदाकारों के आराम करने का कमरा है वो नहीं है। बी ऑन वंस ग्राउंड, अपनी ही शराइत पर कायम रहना, यानी कि जो अपने उसूल हैं या अपने जवाबत हैं या जो अपनी जो रूल्स सेट किए गए हैं उनके ऊपर बिल्कुल अपनी कायम रहना। आई विल मीट हिम ऑन नई न्यू ग्राउंड, मैं अपनी शराइत पर उससे मिलूँगा। हेयर ब्रेथ इसके बाल बाल बचना या फिर बहुत ही थोड़े से फासले पर जो है वो बचना, बाल का मतलब बिल्कुल छोटा सा बारीक बाल होता है ना, तो इतना सा फासला जो है रह जाए, इतनी मतलब ख़तरा इतना ही करीब से होके गुजरे, उसको कहते हैं हेयर ब्रेथ इसकेप, बिल्कुल थोड़े से फासले से बच जाना। अदील हैड अ नैरो इसकेप फ्रॉम ड्राउनिंग, अदील डूबने से बाल बाल बचा। हैंड इन ग्लव विद, बहुत ही हैंड इन ग्लव विद, इसका मतलब होता है किसी के बहुत ही करीब होना, किसी के साथ शरीक होना या फिर किसी काम में किसी दूसरे के साथ मुलविस होना। दे सस्पेक्ट दैट सम ऑफ द पुलिसमैन आर हैंड इन ग्लव विद द रॉबर्स, उन्हें शक है कि कुछ पुलिस वालों की लुटेरों से साजबाज यानी कि आपस में ताल्लुकात हैं या मिली भगत से कोई काम हो रहा है। बी एट हैंड, बहुत ही करीब यानी कि नियर, बहुत ही यानी कि साथ वाला घर हो तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ ही लिव्स एट हैंड, यानी कि वो बहुत ही करीब रहता है। आई एम वर्किंग हार्ड एज द एग्जामिनेशन इज़ एट हैंड, मैं बहुत सख्त मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि इम्तहान बिल्कुल करीब है। बी आर हैंग इन द बैलेंस, गैर यकीनी सूरत हाल में होना। द मैच हंग इन द बैलेंस अनटिल द लास्ट मिनट, मैच आखिरी मिनट तक गैर यकीनी सूरत हाल में रहा। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है बिल्कुल फिक्स पक्का, जिसको ना ब्रेक किया जा सके और ना ही जिसको मोल्ड किया जा सके। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है जिसको तब्दील ना किया जा सके। वी विल हैव टू फॉलो द हार्ड एंड फास्ट रूल्स ऑफ दिस ऑफिस, हमें इस दफ्तर के जो पहले से ही तयशुदा या फिर बहुत ही सख्त कानून है उस पर अमल करना या उनको पैरवी करना होगी। हार्ड और टफ नट नट टू क्रैक, ऐसा काम जो बहुत मुश्किल सूरत हाल वाला लग रहा हो, यानी कि जिसको करना बहुत मुश्किल हो। हार्ड नट टू क्रैक, ऐसी वैसे लफ्जी मतलब देखा जाए तो ऐसा नट या ऐसी कोई अखरोट या फिर कोई भी चीज़ जिसको क्रैक करना बहुत मुश्किल हो रहा हो, तो इसका जो इडियोमेटिकली जो मतलब है वो ये होगा कि ऐसी जो मुश्किल है जो बहुत जिसका ऐसा मसला जो कि हल करना जो हमें बहुत मुश्किल नजर आ रहा हो। टू विन द रेस विल बी अ टफ नट टू क्रैक, नेक्स्ट है अ हार्ड और बिटर पिल टू स्वालो, ऐसी जो तजर्बा या ऐसी जो खुशगवार चीज़ है जिसको बर्दाश्त करना पड़े, जो बहुत कड़वी गोली हो, यानी कि उसको हार्ड पिल टू या फिर बिटर पिल टू स्वालो। हिज फेलियर वाज़ अ बिटर पिल टू स्वालो, उसकी जो नाकामी है एक कड़वी गोली निगलने के मुतरादिफ है। बी हार्ड अप, बहुत ही तंगी में होना, बहुत ही पैसे की कमी होना या बहुत ही गरीबी की हालत में होना। सलीम ऑफन हेल्प्स द हार्ड अप स्टूडेंट्स, सलीम अक्सर तंग दस्त तलबा की मदद करता है। हार्ड अप, वी वर टू हार्ड अप टू बाय न्यू क्लॉथ्स, हम इस कदर तंग दस्त थे कि नए कपड़े ना ख़रीद सके। आपने जो इस लेक्चर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके इसको याद कर लेना है।
बहुत ज़्यादा इसको दिल लगा के अच्छे से पढ़ना है।